भारतीय जांच एजेंसियां वल्लों खालिस्तानी संगठनां ते उन्हां नाल जुड़े अतवादियां ते शिकंजा कसिया जा रहा है। जांच एजेंसियां वल्लों देश दे नाल नाल विदेशां च वी लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि NIA वल्लों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब ते दिल्ली च करीब 50 थावां ते छापेमारी चल रही है। सूत्रां अनुसार खालिस्तानी कट्टरपंथियां नाल जुड़े गैंगस्टरां दे हवाला संचालकां ते लॉजिस्टिक कोआर्डीनेटरां नूं फड़न लई पंजाब दे 30 टिकाणियां, राजस्थान च 13, हरियाणा च 4, उत्तराखंड च 2 ते दिल्ली ते उत्तर प्रदेश च 1-1 टिकाणियां ते छापेमारी कीती गई है। हाल ही च कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों अपनी पार्लीमेंट च खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर दे कतल च भारत उत्ते दोष लाए जाण तों बाद खालिस्तान दा मुद्दा गरमा गया। दस दईए कि कैनेडा च सरगर्म खालिस्तान समर्थकां दा पर्दाफाश करन दे नाल नाल एजेंसियां उन्हां दे नैटवर्क दी जांच रुझियां होईयां ने। इस तों इलावा उन्हां दे फंडिंग स्रोतां तों वी रोक लगाउण दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। इस दे लई फाइनैंशियल इंटैलीजेंस यूनिट IB समेत कई एजेंसियां सरगर्म हो गईआं ने। खदशा जताया जा रहा है कि खालिस्तानी गैंगस्टरां दा गठजोड़ भारत लई खतरनाक बन रहा है। दस दईए कि खालिस्तानी कट्टरपंथी विचार प्रगटावे दी आज़ादी ते सियासी हिमायत दी आड़ च पिछले 50 सालां तों कैनेडा दी धरती ते अपनी अत्तवादियां गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे ने, पर फिर भी कैनेडियन सरकार चुप है। हाल ही च एक रिपोर्ट सामने आई सी जिस च दस्या गया सी कि भारत सरकार ने कैनेडा नूं कई बार खालिस्तानियां खिलाफ सबूत दिते पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हां अतवादियां दा टिकाणा दसण तों बाद भी कैनेडा सरकार ने उन्हां नूं गिरफ्तार नहीं कीता ते हुण NIA वलों देश च अतवादी ते गैंगस्टरां नूं फड़न लई छापेमारी कीती जा रही है तां जो उन्हां ते नत्थ पाई जा सके। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।